तो इसराइल और हमास का युद्ध दिनों दिन और भीषण होता चला जा रहा है। रफा कैंप से इजरायली हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अहम वक्त पर नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। नेतन्याहू ने रफा पर हमले रोकने के एवज में 33 बंधकों की रिहाई मांग ली है। हमास जब तक इन बंधकों को छोड़ नहीं देता, गाजा और रफा में तबाही का मंजर दिखाई देने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। धुएं का उठता गुबार, आसमान के सफेद रंग पर काला कर रहा है। बम के धमाकों की गूंज गाजा के गली गली में खून बहा रही है और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोजन। गाजा में जिंदगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है। इज़राइल अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ गाजा को रौंद रहा है। प्रचंड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के निवासी सुकून का एक पल भी गिन गिन कर जी रहे हैं। पता नहीं कब बम का गोला गिरे और जान चली जाए। गाजा की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जो बताती है कि गाजा की मिट्टी बारूद से नहा चुकी है। तबाही किस लेवल पर और कितनी हुई है ये देखकर आप सन्न रह जाएंगे। गाजा की बर्बादी की इनसाइड स्टोरी जो पश्चिमी मीडिया में छप रही है वो दिखाने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर आई है, वो देख लीजिए। बेनियामिन नेतन्याहू को डर है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। ये कार्रवाई गाजा में इजरायली एक्शन के मामले में हो सकती है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है। इसके पहले आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए। आईसीसी के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया था और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बंद करने की जगह और बढ़ा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ताकत कितनी है, क्या आईसीसी पुतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेतृत्व में इजराइल अपनी आत्मरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी प्रयास को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य पूर्व एकमात्र लोकतंत्र और दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी अपमानजनक है। हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इजराइल हमास के अंतिम आतंकवादी के खात्मे तक युद्ध बंद नहीं करने वाला है। आईसीसी के चेतावनी का असर उल्टा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी के फैसले से होने वाले दबाव से ध्यान हटाने के लिए इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी, इस मामले में मदद भी। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों का दौरा भी किया है। मोसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है, इसलिए मतभेदों को भुलाना होगा।
मतलब इसराइल ने गाजा को नेस्तोनाबूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है। रफा में लगातार इजरायली हमले इसकी बानगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है, लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है। नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदस्य हैं। 2002 में बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है, यानी सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। आईसीसी ने प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन यह लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट नेतन्याहू पर हाथ डाल सके। अपने लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो, तो आईसीसी भले ही फैसला सुनाए, उसे जमीन पर उतारना मुश्किल दिख रहा है। नेतन्याहू इस बीच फुल एक्शन में है और गाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है। इजरायल के गाजा में जारी हमलों से किस तरह का नुकसान हुआ है, इस पर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में जारी युद्ध ने अब तक 37 मिलियन टन मलबा पैदा किया है। इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बम शामिल है जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है। गाजा में प्रति वर्ग मीटर जमीन पर औसतन 300 किलो मलबा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इस वक्त मलबे की जो स्थिति है उसे 100 ट्रकों के साथ हटाने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।